गाइस आज मंगलवार है, सोमवार को कुछ काम था इस वजह से राइडिंग स्टार्ट नहीं की। बट आज मैंने मंगलवार को मोहन ने बाइक निकाली तो बाइक पंचर निकली, तो वही बाइक पंचर बनाने आया हूँ। देखिए ये बाइक पंचर हो गई है, अब पंचर ठीक करवाएंगे फिर उसके बाद हम राइड पर निकलेंगे। पहला ऑर्डर कब मिलता है, इस वजह से मंगलवार का दिन है आज, देखते हैं ठीक होते हैं, चलो देखते हैं फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा 8:43, स्टार्ट टू राइडिंग बट टायर पंचर। अब ये तो मैंने कंजावला में डलवाया था स्टैंड पे, अब कंजावला थोड़ी जा जाएगा। कंपनी फॉइल बता रहा तो कंपनी लेके थोड़ी जाएंगे, कंपनी तो कंजावला से चेंज करवाया था, कंजावला लेके थोड़ी जाएंगे, अब तो इनको किस तरह से ठीक कराने की। राम प्यारी को हम ठीक करवा कर लेके आ चुके हैं, घर के बाहर खड़ी कर दी है, अब वेट फॉर ऑर्डर, अब ऑर्डर देखते हैं कि कब बसता है, तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ, राइड ऑन करती है। टाइम आपका हो रहा है, मैं आपको देखना चाहूंगा, 9:00 और 9:09 हो रहे हैं, मैंने राइड ऑन कर दी है, देखते हैं पहले किसमें बसता है। तो राम प्यारी की तबीयत तो आज खराब हो गई थी, बट हमने डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाया और वो ठीक हो गई पहले से, बट थोड़ी बहुत तबीयत खराब है क्योंकि उसको प्रॉपर ठीक करना पड़ेगा। मीन्स कि उसमें ट्यूब में के मेन पॉइंट पे जो हवा भरते हैं वहां पर थोड़ा सा छेद था, इस वजह से वो हवा लीक हो रही थी। अब उसने कह रहा मिस्त्री ने, भाई अभी तो कर दे रहा हूँ बट आगे जाके इसको ठीक करवा, मतलब चेंज करवा लेना, ट्यूब को कभी भी धोखा दे सकती है। तो इसलिए राम प्यारी की तबीयत जो है अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है, उसको पूरी ठीक करवाने के लिए उसकी ट्यूब चेंज करनी पड़ेगी और ट्यूब चेंज होते ही राम प्यारी फिर से परफेक्ट हो जाएगी अपनी राइडिंग पे दौड़ने के लिए। तो चलो चलते हैं, वेटिंग फॉर पार्सल। तो गाइज मॉर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी राम प्यारी के साथ थोड़ा बहुत बाइक प्रॉब्लम हो गई, मीन्स कि मेरी राम प्यारी का पंक्चर हो गया, और मेरी राम प्यारी मीन्स कि मेरी बाइक, मैं उसे प्यार से राम प्यारी कहता हूँ। सुबह मैं बाइक निकाली तो देखा कि उसकी हवा निकली है, मीन्स की टायर की, और फिर मैंने उसको टायर पंक्चर वाले के पास लेके गया, उसका पंक्चर ठीक करवाया। उसका पंक्चर ठीक करवाने के बाद मैं घर पे आया हूँ, घर पे आके मैंने आपको बताया था कि 9:00 मैं लॉगिंग हो गया था और मैं फ्रेश फ्रेश होके एकदम रेडी बैठा हुआ था, और रेडी बैठ के सीधा ही उसके आधे घंटे बाद मुझे पोर्टल में बसता है एक पार्सल जो कि फरीदाबाद था, 470 की राइड थी, मेरे उठाने से पहले ही किसी ने उठा ली, और ये टेक्निक समझ में नहीं आ रही कि भैया ये जल्दी कैसे उठाते हैं, और मैं क्लिक करता रह गया, मुझे राइड नहीं मिली, और फिर उसी के साथ मैं बैठा रहा। बैठने के साथ अब फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 1:28 टाइम हो गया, और मुझे लॉगिंग हुए हुए 9:00 से देख लो आपको 4 घंटे हो चुके हैं लॉगिंग हुए हुए, और अभी तक एक भी राइड ना ऊबर में बजी ना पोर्टर में बजी, यहाँ तक मोटो सवारी वो भी नहीं बची। आज मंगलवार के दिन क्या हो गया, मार्केट में काम ही नहीं है, मेरे इधर इतने इंडस्ट्री एरिया होने के बावजूद भी राइड नहीं बची। जैसे कि मैंने देखा कि हर बार मंगलवार को ही दिन मेरा खाली जाता, पता नहीं क्यों, मोस्टली मैंने देखा है कि मंगलवार के दिन ही राइड कम बजेगी या फिर पार्सल मुझे कम मिलेगा, शनिवार के दिन देखता हूँ मैं कम मिले मगर वहाँ सही हो जाता है, संडे के भी दिन हो जाता है बट संडे को मन नहीं करता, भाई साहब देखो इतनी गर्मी होती है ना, कम से कम 7-6 दिन काम आते तो एक दिन तो रेस्ट मिलता, बट एक दिन रेस्ट के चक्कर में 2-3 दिन रेस्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए, आप ही बताइए, अगर हमें काम धंधा मिलेगा नहीं तो हम घर कैसे चलाएंगे, घर का जो भी है खर्चा पानी राशन वाला फलाना
बिजली बिल सब ये सब भरना पड़ता है ना भाई। अगर राइड ही नहीं मिली तो फायदा क्या फिर हमें, और चार चार घंटे बैठने के बावजूद भी राइड नहीं मिली है तो हम कैसे जिएंगे भाइयों, बहुत बुरा हाल हो जाएगा हमारा। ऊपर से इतनी गर्मी भाई साहब, पसीने छूट जाते हैं चलाते चलाते, और ऊपर से लंबी राइड मिल जाती है दो दो घंटे ड्राइविंग करते वक्त, पूछो मत क्या होता है हाल जो चलाते हैं। मगर कोई बात नहीं है, मगर गर्मी इतनी हो रही है, राइड बज नहीं रही, 4 घंटे हो गए, आप तो बात करते करते 4 घंटे से ऊपर हो गए। अभी तक भी आपका मैं बताना चाहूँगा पोर्टर और उबर राइड ऑन है, बट अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई बजी है ना रिंगटोन। हम तो रिंगटोन के लिए तरस गए हैं कि बज जाए, बट बजती नहीं है। तो अब तो इतना टाइम भी हो चुका है, इतनी गर्मी हो रही है चढ़ी हुई, अब तो क्या करूँ, अब तो मन भी नहीं कर रहा जाने को। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इतनी देर वेट किया, तो भाइयों अब तो मेरा मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि इतना टाइम से मैं लॉगिन रहा और लॉगिन करने के बावजूद भी मुझे ऑर्डर नहीं मिला, और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है ना, पूछो मत, इतनी गर्मी हो रही है और थोड़ा मन भी हट रहा है। तो मैं आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि आज जो भी हुआ इस ब्लॉग के, सुबह ही सुबह मेरी रामपैरी की भी तबीयत ख़राब हो गई, और उसका उसको ठीक कराने में गया, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा, तो 4 घंटे से ऊपर हो गए हैं वजह ही नहीं है। तो आज मैं ब्लॉगिंग का एंडिंग यहीं करता हूँ, और कल से मैं नए सिरे से स्टार्ट करूँगा मॉर्निंग में, जैसे ही राइड राइड जो भी होगी वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक तो यू। ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो के लिए और ट्रिक और टिप्स के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।